हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपको आज 22/06/N 2006N और 2004N में जो सेटिंग कैसे निकालते हैं, जैसे आईपी एड्रेस हुआ या मैक आईडी हुआ या काउंटर हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डुप्लेक्स फोटोकॉपी कैसे करते हैं ये भी बताऊँगा, और लीगल फोटोकॉपी कैसे करते हैं। लीगल पेपर है और उसको A4 साइज़ पे निकालना है, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मशीन का आईपी वगैरह कैसे निकालते हैं वो शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेनू में जाएंगे, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले मेनू में जाइए, मेनू के बाद आप आउटपुट में जाइए, आउटपुट के बाद प्रिंट लिस्ट में जाइए, फिर सिस्टम मैनेजर डाटा लिस्ट में जाएंगे और इसका पिन डालेंगे 7654321, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करेंगे और आईडी डालने के बाद पिन भी यही डालना है आपको, पिन भी सेम है 7654321, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। डालने के बाद अप्लाई कर दीजिए और ये देखिए एक आईडी का बटन है यहाँ, लॉग इन लॉग आउट का, ठीक है, रीसेट के जस्ट बगल में, इसको आप प्रेस करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है, यस करेंगे तो ये प्रिंट आपका निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये जो जो भी आपकी डिटेल है, मैक आईडी, आईपी एड्रेस या जो भी आपने अदर सेटिंग कर रखी है, वो सारी सेटिंग इसमें आपको लिख के आ जाएगी इन सभी पेजों पे। तो एक एक करके 5 पेज बाहर आएंगे जिस पे सारी सेटिंग पूरी लिस्ट रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, बट इसमें काउंटर नहीं रहेगा, काउंटर अलग से निकालना पड़ता है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए निकल आया है, इसमें देखिए क्या क्या डिटेल रहेगा, वो आप आराम से वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें आईपी एड्रेस वगैरह नहीं है तो 00 लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर आईपी एड्रेस होता तो लिखा रहता, क्योंकि ये मशीन यूएसबी पे है, लैन पे नहीं है। ये देखिए ये मैक आईडी है, ठीक है, F4 करके जो लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें डिटेल निकाल सकते हैं कि कैसे करना है। ये देखिए पेज के ऊपर कितने नंबर पेज है ये भी लिखा रहता है, ठीक है, तीसरा, चौथा है और ये पांचवा, ठीक है, ये 5 पेज निकलते हैं। तो फर्स्ट पेज जो होता है उसी पे आईपी एड्रेस होता है आपका। मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से कि आईपी एड्रेस कहाँ होता है। ये देखिए ये सिस्टम मैनेजर का जो मैंने पासवर्ड डाला है वो देखिए यहाँ शो कर रहा है, ठीक है, 7654321। तो जो भी इसमें सेटिंग है सब शो करेगा, ऐसा नहीं कि कोई सेटिंग रह जाएगी, ठीक है। और बाकी रही आईपी एड्रेस, वो आप ये देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो F4 करके जो है ये मैक है, इंटरनेट डिवाइस है करके रहता है ये, उसके सामने है F4/ जो भी ये आगे का है वो मैक आईडी है। अब ये आईपी एड्रेस देखिए यहाँ फर्स्ट पेज पे ही, जैसे मैंने पहले बताया फर्स्ट पेज पे ही आईपी एड्रेस आ जाता है। देखिए यहाँ यूएसबी पे है तो यहाँ 00 है, क्योंकि ये लैन पे नहीं है मशीन, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम प्रिंट निकालेंगे काउंटर का, तो यहीं से हम आगे जाके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये देखिए लिखा ना कॉपी प्रिंट काउंट, ये करेंगे ओके, अगर आप यस कर दीजिए। अगर आपने केवल यही निकालना है मेनू के बाद, प्रिंट डाटा लिस्ट नहीं निकालना है तो मत निकालिए, मगर जैसे काउंटर शीट निकालेंगे तो आपको पिन डालना पड़ेगा 7654321, ये मैनेजर आईडी और पिन आपको डालना पड़ेगा तभी निकलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा इसमें, बड़ी मशीनों में डायरेक्ट निकलता है, इसमें ऐसे नहीं निकलेगा। देखिए ये काउंटर निकल गया है, तो काउंटर देख लीजिए अभी कितनी चली हुई मशीन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ वीडियो। देखिए 4000 कुछ चली हुई वीडियो है, ठीक है, मशीन चल गई है वीडियो में जैसे आपको दिख रहा है, 4600 कुछ कॉपी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी सेटिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब आप जैसे अभी तो फिलहाल मेरे पास 2006 मॉडल है, मगर 2006 2004 एन ये सेम ही रहते हैं।
ये देखिए मेरे पास एक लीगल पेपर है, इसको मैं A4 पे कैसे निकालूंगा ये आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये पेपर है, देखिए A4 से बड़ा है, A4 यहाँ तक है। ठीक है, A4 यहाँ तक ही होता है, बट ये इतना बड़ा है, लीगल है। ठीक है, तो मैं अब इसको A4 पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह लगभग यही रिक्वायरमेंट होती है कि लीगल है, A4 पे कैसे लाएं। तो पेपर वैसे लगा दीजिए जैसे मैंने बताया, और इस ट्रे में, ये देखिए इस ट्रे में पेपर लगाइए। ठीक है, पेपर भी आपका A4R लगेगा, खड़ा खड़ा ही, जैसे आपने पेपर मशीन पे लगाया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पूछेगा, तो A4R पेपर लगाया, A4R सेलेक्ट कर दिए, GSM जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए, और इसी ट्रे से हमें प्रिंट भी लेना है वो भी सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको कॉपी रेशियो पे जाना है। कॉपी रेशियो पे आप कस्टम रेशियो, इसमें हम अपने मर्जी के हिसाब से जितने जितने परसेंट कम करना चाहे कम कर सकते हैं, या बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं अभी इसको 80% पे कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ। ठीक है, तब आप देखिए ये जो है अभी फोटोकॉपी A4 पे आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो के अपने आप, और कुछ भी कटेगा भी नहीं। ठीक है, मशीन ने पेपर साइड से ले लिया, देखिए, और ये अभी ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये पेपर निकला है, ये देखिए पूरा आ गया, कहीं से भी कुछ कटा नहीं है। तो इस तरह से आप इसको लीगल साइज का जो पेपर रहता है, या लीगल से थोड़े और बड़े रहते हैं, उनको कम करके आप A4R पे आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए कुछ भी कटा नहीं है। अब आपको ये सेटिंग भी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ टू साइड फोटोकॉपी कैसे निकालना है। आप ग्लास से भी निकाल सकते हैं, और ऊपर जो यूनिट है जिसको ADF बोलते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ADF से निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर आप पेपर लगा दीजिए। ठीक है, ये मैंने पेपर लगा दिया, और आप जाइए सीधा टू साइड पे, यहाँ ऑफ लिखा हुआ, टू साइड को टच करेंगे, और टू सेकंड ऑप्शन टू साइड को सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन दबा देंगे। ठीक है, जितनी भी कॉपी चाहिए एक तो रहेगी ही। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे, ये देखिए पेपर कहीं पकड़ना नहीं है आपको, पेपर अपने आप मशीन खींच लेगी और आगे पीछे कर लेगी। ठीक है, और इसी तरह आपको मशीन में पेपर नीचे भी नहीं पकड़ना, जहाँ गिरता है। ठीक है, ये देखिए पेपर आया है अभी, और ये रिटर्न अंदर जाएगा। ठीक है, आपको पकड़ना नहीं है, अपने आप अभी आएगा तो छोड़ देगी मशीन, तब आपको पेपर उठाना है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इस साइड मैंने कुछ लिखा हुआ था और इस साइड भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये निकल आया। इस तरह से आप दो साइड, टू साइड जिसको फोटोकॉपी कहते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।